वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिल्कीस हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, आज की रेमेडी बताइए। जी जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। बड़ी इलायची। अच्छा, इसमें ना दो बहनें आपकी काम करती हैं। एक बड़ी बहन है बड़ी इलायची, छोटी बहन है छोटी इलायची। तो आपने छोटी इलायची के भी छिलके हटा देने हैं ऊपर का, और बड़ी इलायची के भी छिलके आपने हटा देने। दोनों को लेके मैंने यहाँ पर रखा है तकरीबन 2 कप पानी। इसमें मैं ये डाल रही हूँ। इसमें सौंफ डालेंगे, अदरक डालेंगे, और इसमें पुदीने के 25 से 30 पत्ते, ताज़ा गुलाब की पत्तियाँ, और इसमें अलसी तवे पर भूनकर फिर वो इसमें डालेंगे। ठीक है, मैंने 2 ग्लास पानी लिया है। अब इसको ढककर इतना पकाएंगे कि ये 1 ग्लास रह जाए। 1 ग्लास का मतलब है तकरीबन 2 से 3 कप। अब मखसूस आयाम स्टार्ट हो गए हैं, पेन किसी सूरत नहीं जा रहा है, तो ये कहवा पीजिएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे पता है बहुत सारी बच्चियाँ मुँह बना रही होंगी, माएँ बोलेंगी बच्चियाँ ये नहीं पियेंगी, तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आप दर्द से निजात हासिल करें तो आप ये ज़रूर पीजिए। इससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत अच्छा होता है, पेन मैनेजेबल हो जाता है। और इंशाल्लाह, मेरे पास जब इस तरह के आते हैं माओ को, तो मैं एक बात कहती हूँ कि माओ के पाँव के नीचे अल्लाह गफ़ुर रहीम ने जन्नत दी है, तो कुछ इन्हीं वजूहात की वजह से दी है ना। कोई स्ट्रगल्स तो होंगी, स्ट्रगल्स तो होंगी, तो आप जो है इस इन स्ट्रगल को मैनेज करना सीखे, बजाय कि चीख के पूरे मोहल्ले में बता दे। तो ये वाली चीज़ें हैं, ये करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और बेहतरीन बात यह है कि आजकल जिस तरह हमारा जो ये जो दौर आजकल चल रहा है वो कितना ज़्यादा एडवांस हो गया है। अब कोई भी चीज़ है जो कि आप आराम से अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, अपने एक्सपर्ट से आप डिस्कस कर सकते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि सिर्फ माँ बेटियों के आपस के बीच में बात रहे, कि आप अपनी सेहत से खेलते हैं। जी, और इसके साथ ना मैग्नीशियम जिसमें ज़्यादा होता है ना, मैग्नीशियम जैसे एवोकाडो, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एवोकाडो लें, क्योंकि बनाना से मैग्नीशियम एवोकाडो में ज़्यादा होता है। नहीं तो आप बनाना का, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं, पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी जो लड़कियों को नहीं पसंद, लेकिन मैं मजबूर हूँ बताना पड़ रहा है, इनका इस्तेमाल कीजिए, इससे भी दर्द जो है ना कम हो जाता है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मिसेज उमर कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप बता रही थी ये अभी रेमेडी पेन कम करने की, कोई डाइट के अंदर भी कोई चीज़ें होती हैं जिस तरह अभी आप विटामिन सी का बता रही हैं कि लड़कियां वो चीज़ें लें जिससे चीज़ करें? इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, फॉलिक एसिड, ये ऐसी चीज़ें हैं कि लेना चाहिए। अगर आपको पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, पेन होते हैं, तो आप ये जो है ना ले सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हाइड्रोथेरेपी से फ़र्क पड़ता है। होम्योपैथिक की दवा है पल्सरटीला, फिर आप किसी होम्योपैथिक से पूछ के, क्योंकि होम्योपैथिक में ऐसा होता है कि ना और भी चीज़ें देखी जाती हैं। और मैग्नीशियम फॉस, ये 2 दवाइयाँ बेहतरीन है, अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ कर हिस्ट्री के साथ आप ये लेंगे तो आपके जो क्रैम्प्स हैं ये 3 महीने में सही हो जाते हैं।